डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम लोग का डायग्राम पोर्शन खत्म हो चुका है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। तो फर्स्ट हम लोग का जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी का तीन मेजर तुम लोगों को चाहिए होगा, मीन, मीडियन, मोड। तो आज हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड, मोड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मीन क्या है? मीन सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे यूज, मतलब जो ज़्यादा यूज किया जाता है वो है मीन। सबसे ज़्यादा मीन को यूज़ किया जाता है, और मीन एरिथमेटिक मीन या मीन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग कोई भी टेबल या कोई भी स्कोर्स का एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन का मेन एम है उसका एवरेज कैलकुलेट करना। ओके, तो फर्स्ट हम लोगों को मीन कैलकुलेट करने का देखो तीन मिला था, एक है ग्रुप डाटा का, दो मेथड, लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड, और एक मिला था अनग्रुप डाटा का। तो हम लोग पहले देखते हैं कि अनग्रुप डाटा से हम लोग कैसे मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्रॉम अनग्रुप डाटा। तो जैसे कि मैं बोली थी, अनग्रुप डाटा मतलब क्या? कुछ भी रॉ स्कोर जहाँ पे होता है, वहाँ पे टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई भी रॉ स्कोर तुम लोग ले सकते हो, कुछ 30, 25, 15, 10, 45, 50 सपोज। ओके, तो ये रॉ स्कोर क्या है, हम लोगों को सपोज मिला है, इसमें से हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट, मीन कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला कल चार्ट में दी थी, तुम लोग शायद लिख ले लिए हो। तो इसका फॉर्मूला है m इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो मैं पूरा डिटेल्स में दे रही हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे समेशन सिंबल का मतलब क्या बोली थी, समेशन का मतलब है ये सारा जो स्कोर्स है इसका, मतलब सारा कुछ प्लस करके ऐड करके जो मिलता है, सम टोटल ऑफ द रॉ स्कोर्स। तो ये सब, ये समेशन का मतलब है सबका वो जो सम है। नेक्स्ट है ये कैपिटल एक्स, जो है कैपिटल एक्स का मतलब है ये सारा रॉ स्कोर्स। तो यहाँ पे समेशन एक्स मतलब, मैं पूरा डिटेल्स में प्लस प्लस करके दे रही हूँ, तुम लोग डायरेक्ट मत करना। तो समेशन एक्स मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, 30 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 45 प्लस 50, ये हो गया हम लोग का समेशन एक्स। ओके, और एन का मतलब है यहाँ पे कितना नंबर्स है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना नंबर है, 6 नंबर है, तो हम लोग नीचे देंगे 6। ओके, तो ये सारा प्लस करना है, प्लस करके क्या करना है, हम लोग को 6 से डिवाइड करना है। ओके, तो ये टोटल करके हम लोग को मिला 175 डिवाइडेड बाय 6। तो 175 डिवाइडेड बाय 6, तुम लोग कैलकुलेट यूज मत करना, और तुम लोग को डिवीजन शायद आता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे डिवीजन भी तुम लोग को दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे है 175 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये दो डिजिट, ये तुम लोग को पता ही होगा ये बेसिक डिवीजन है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग ये दो डिजिट देखते हैं। तो यहाँ पे 6 से हम लोग कितना दे सकते हैं, 6 1 6 6 2 12 6 3 18, तो 3 देने से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग देंगे 2। यहाँ पे हुआ 12। ओके, नेक्स्ट हम लोग को कितना मिला, 55। तो 55 अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6 9 54, इसके बाद यहाँ पे हम लोग का बचेगा 1। तो 1 को हम लोग 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे लाएंगे 0। यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं है, सॉरी, 6 6।
तो इससे 29.16, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद हम लोग दो डिजिट रखने से हो जाएगा, यहाँ पे बार बार ऐसे 666 रिपीट हो जाएगा, तो इतना देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ दो डिजिट देने से हो जाता है। तो हम लोग का आंसर कितना मिला, 29.16। तो ये है हम लोगों का मीन। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, मैं फिर से थोड़ा बोल रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे अनग्रुप डाटा यानी रॉ स्कोर्स मिलेगा। रॉ स्कोर्स मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको फॉर्मूला जो है मीन कैलकुलेट करने का अनग्रुप डाटा से, वो है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे समेशन एक्स मतलब ये सारा जो रॉ स्कोर्स है, इस रॉ स्कोर्स को हम लोग प्लस करेंगे, प्लस करके एन मतलब यहाँ पे कितना नंबर्स है, वो नंबर्स से हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस करके हम लोग को मिला 175। तो 175 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, ये फर्स्ट टू डिजिट देखते हैं। तो 17 को 6 से कितना बार दे सकते हैं हम लोग, 2 से दे सकते हैं, तो 6 2 12। इसके बाद यहाँ पे आएगा 17 माइनस 12, कितना मिलता हम लोग को, 5, और ये 5 जो बाकी है ये नीचे आएगा, तो हम लोग का मिला 55। तो नेक्स्ट हम लोग कितना दे सकते हैं, देखो 6 9 जा 54, तो 55 माइनस 54 कितना बाकी है, 1 बाकी रहा। तो 1 को हम लोग 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट देंगे, तो आएगा 0। 0 देने के बाद हम लोग 6 1 जा 6, इसके बाद फिर से कितना आएगा, 4 आएगा, 0 डालेंगे 40 आएगा, फिर 6 से देते रहेंगे, ऐसे 666 बार बार हो जाएगा। तो इतना देने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे दो डिजिट आने से बस हम लोग को और नहीं करने से भी होता है। तो हम लोग का जो 29.16 मिला, तो ये 29.16 है ये सारा रॉ स्कोर्स का मीन। ओके, तो कितना इजी है, ये है हम लोग का अनग्रुप डाटा से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ग्रुप डाटा से हम लोग कैसे मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला है ग्रुप डाटा में मिला था हम लोगों को, एक है लॉन्ग मेथड एंड एक है शॉर्ट मेथड। तो आज हम लोग देखेंगे सिर्फ लॉन्ग मेथड, एक एक करके मैं समझाऊंगी, और जिस दिन जो वाला मैं करके दूंगी वो अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ के पूरा सीख लेना। मैं एक दिन में 2-3 करके नहीं दूंगी, तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोग, इसीलिए बस एक दिन में एक एक दूंगी, और जो होमवर्क दूंगी वो करके अच्छे से सीख लेना। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग कि मीन कैसे कैलकुलेट करता है लॉन्ग मेथड में। कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय using long method. तो long method आ गया, तो ये क्या डाटा होगा, तुम लोग ऑलरेडी पता चल ही गया होगा, ये है ग्रुप डाटा। तो यहाँ पे हम लोगों का एक टेबल मिलेगा क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी का। तो टेबल में बस क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी रहता है, बाकी सब हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और टेबल पूरा अच्छे से बनाना है। ओके, और तुम लोग पूरा ऐसे मार्जिन खींच लेना, नहीं तो क्या होता है, पूरा बराबर नहीं होता है तो टेबल देखने में अच्छा नहीं होता है, पेंसिल से पूरा लाइन खींच लेना। फ्रीक्वेंसीज है 1, 3
सेवन नाइन इलेवन एट फोर टू वन। ओके, तो यहां तक हम लोगों को टेबल में मतलब क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल वो करेंगे, मतलब एन देंगे, एन एन मतलब ये सब प्लस करके हम लोग को कितना मिलता है, देखो 4, 8, 15, 26, 37, 45, 50। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, तुम लोग देख लेना, ये हम लोग को प्लस करके कितना मिला, 50 मिला, 3, 7, 15, 26। तो नेक्स्ट हम लोग का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, और तुम लोग नीचे लिखना, यहाँ पे जगह नहीं है बोल के मैं साइड में लिख रही हूँ। तो लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला हम लोग को क्या मिला था, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग को मिला m इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय n। ये हम लोगों का है फॉर्मूला, लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला तुम लोग चार्ट में देख लेना, ये हम लोग का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो एन ऑलरेडी हम लोगों के पास है, एन कितना है 50। तो हम लोग को नेक्स्ट करना है ये वाला एफ भी है, मतलब फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों के पास है। तो नेक्स्ट ये जो कैपिटल एक्स है, यहाँ पे कैपिटल एक्स का मतलब है मिड पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा सिर्फ मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद इस मिड पॉइंट को हम लोग एफ यानी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स, ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं इसका मतलब होता है एफ इंटू एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे मिड पॉइंट यानी कैपिटल एक्स। ये सब में भी मार्क्स वो होता है, कैरी होता है, तुम लोग जितना अच्छे से पूरा पूरा सही करोगे, लेकिन अगर नीट एंड क्लीन नहीं हुआ है, पूरा अच्छे से दिखाई नहीं जा रहा है, या ओवरराइट कर रहे हो, तो स्टैटिस्टिक्स में तुम्हारा मार्क कट सकता है। इसीलिए पूरा ध्यान से पेंसिल से पहले कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग का क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल एक्स जिसका मतलब है मिड पॉइंट। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में दे रही हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से याद रहे, नहीं लिखने से भी होता है, इसका मतलब है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का तरीका मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी, फिर भी मैं बोल रही हूँ। तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे जो लोवेस्ट क्लास इंटरवल है, सबसे जो छोटा है, वो हम लोग पहले उसका क्या कर लेते हैं, मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका मिड पॉइंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ये बड़ा वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। तो क्लास इंटरवल का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू। मैं फिर से बोल रही हूँ, मिड पॉइंट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक बड़ा फॉर्मूला है जो मैं यूज नहीं कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, वो थोड़ा लंबा है, लेकिन ये सबसे इजी है। तुम लोग क्या करना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू कर देना, तो कितना होता है 24 प्लस 20, हम लोग को मिलता है कितना यहाँ पे 44। तो 44 डिवाइडेड बाय टू कर देंगे तो कितना होगा 22। तो ये हम लोग का मिड पॉइंट मिल गया 22, और ये 2 से जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो फॉर्मूला में है। तुम लोग का माइंड में आ सकता है कि ये 2 कहाँ से मिला, या सपोज यहाँ पे जो है इससे डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है। मिड पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही करते हैं। तो सबसे लोवेस्ट वाला पहले कर लेना, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ लोवेस्ट वाला करने के लिए, क्योंकि जब ये लोवेस्ट तुम कैलकुलेट कर लोगे, मिड पॉइंट इसका कैलकुलेट कर लोगे, इसके बाद सिंपली तुम लोगों को क्या करना है, देखना है यहाँ पे इंटरवल कितना है। ये जो क्लास इंटरवल्स मैंने दिया, यहाँ पे इंटरवल कितना है, तो यहाँ पे इंटरवल कितना है, देखो
इंटरवल में तुमको 20 को भी काउंट करना है, 24 को भी काउंट करना है। तो 20, 21, 22, 23, 24, ओके? तो यहाँ पे हम लोग को इंटरवल मिला 5, तो बस 22 के साथ अब हम लोग 5 प्लस प्लस करके यहाँ तक जाएंगे। 22 प्लस 5, 27 प्लस 5, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67. तो ये सारा हो गया हम लोगों का मिड पॉइंट, ओके? मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद ये जो फॉर्मूला में है क्या है, एफ एक्स मतलब क्या, एफ इंटू एक्स। तो यहाँ पे f हम लोग को मिल गया, x भी मिल गया, तो हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, fx कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तुम लोग स्मॉल x मत लिखना, कैपिटल x मतलब मिड पॉइंट। तो यहाँ पे f इंटू एक्स मतलब ये वाला इसके साथ इंटू, ये वाला इसके साथ इंटू, ऐसे हम लोग सारा क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो देखो 67 इंटू 1, 67, ऐसे तुम लोग खुद से सारा कैलकुलेशन कर लेना, ओके? और ऐसे पूरा बराबर लिखना ताकि प्लस करने में इजी हो, ओके? ये हम लोगों को क्या मिला, सारा कुछ इंटू करके ये वाला मिल गया हम लोगों को, ओके? नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला में है समेशन एफएक्स, समेशन एफएक्स मतलब ये सारा प्लस करके हम लोगों को जितना मिलता है। तो यहाँ पे बोर्ड में थोड़ा जगह कम है, समेशन एफएक्स इक्वल टू ये सारा तुम लोग प्लस करो कितना होता है, ओके? कैलकुलेट यूज मत करना, बार बार बोल रही हूँ, ऐसे तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे होगा 0, 5 बाकी है, 5, 1, 2, 3, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ओके? तो यहाँ पे हम लोग को समेशन एफएक्स मिला 2230। और तुम लोग ये कैलकुलेट करने के बाद दोबारा करना, हो सकता है एक बार में तुम लोग गलती करती हो तो फिर से इसे प्लस करके देखना ताकि पूरा करेक्ट हुआ कि नहीं चेक कर सको। हम लोग का समेशन एफएक्स। तो फॉर्मूला में हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे समेशन एफएक्स मिला हम लोगों को 2230 और एन हम लोग का कितना है 50, यहाँ पे देंगे 50। तो ये जीरो कट और हम लोग 223 डिवाइडेड बाय 5। मैं फिर से यहाँ पे तुम लोगों को डिवीजन दिखा रही हूँ, 2 2 3 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे हम लोग कितना देंगे, 4 जा 20,
ये हो गया हम लोगों का मीन। कितना इजी है, आंसर कितना आया 44.6। ओके तो ये हम लोगों का मीन है 44.6। और तुम लोग ऐसे कैलकुलेशन साइड में दिखा दोगे तो और भी अच्छा होगा, मार्जिन खींच के साइड में दिखा देगा। और अगर ये डिवीजन में कुछ प्रॉब्लम है कि कैसे करना है तुम लोगों को नहीं पता, तो यहाँ पे शर्माना मत, पूरा खोल के बोल, एकदम बेसिक अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तुम लोगों को नहीं आता है फिर भी बोलना, मैं पूरा अच्छे से समझा दूंगी। तो क्योंकि यहाँ पे अब फेस टू फेस क्लास होने से बहुत ही अच्छा होता है ये स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं हो रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम तुम लोगों को मिले तुम लोग पूरा अच्छे से खोल के बोलो, जो भी डिवीजन में हो या फॉर्मूले कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बोलो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स इज नॉट ए जोक, क्योंकि फाइनल में यहाँ से 20 मार्क्स आता है, तुम लोग अच्छे से समझ लेना पूरा, ठीक है। तो ये क्या हम लोगों का लॉन्ग मेथड यूज करके हम लोग कैसे मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर से मैं थोड़ा समझा देती हूँ। फर्स्ट हम लोगों को टेबल में क्वेश्चन पेपर में मिलेगा क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, तो ये मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सारा फ्रीक्वेंसीज को प्लस करेंगे तो, और नीचे लिखेंगे एन इक्वल टू जितना मिलता है उतना। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए होगा कैपिटल एक्स यानी कि मिड पॉइंट। हम लोग मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे जो लोवेस्ट क्लास इंटरवल है हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे, तो लोवेस्ट क्लास इंटरवल का हायर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये करके हम लोग को मिला 22। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो इंटरवल्स है, ये सारा इंटरवल्स सॉरी क्लास इंटरवल्स में इंटरवल कितना है। ओके हम लोग काउंट करेंगे कोई भी इंटरवल का, तुम देख लो यहाँ से अगर तुमको करना है तो 35 को भी लेना है, 39 को भी लेना है, इसे लेके 35, 36, 37, 38, 39 ऐसे काउंट करने से तुम लोग को इंटरवल मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंटरवल हम लोग का है 5, तो ये 22 के साथ हम लोग 5 ऐड करके जाएंगे सर, 22 प्लस 5 27 प्लस 5 32 32 प्लस 5 37, ऐसे करके सारा करेंगे। ओके नेक्स्ट हम लोगों का है एफ एक्स। एफ एक्स में हम लोग क्या करते हैं, एफ इंटू एक्स, तो यहाँ पे एफ है 1, एक्स है 67, तो 1 इंटू 67 हम लोग को मिला 67। यहाँ पे एफ है 3, एक्स है 62, तो 3 इंटू 62 हम लोग को मिला 86। तो ऐसे ही हम लोग सारा क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे। ओके नेक्स्ट हम लोगों का है फॉर्मूला में जो है समेशन एफ एक्स, यहाँ पे हम लोग नीचे लिखेंगे समेशन एफ एक्स, ये वाला छोड़ना मत, ये सारा लिखना समेशन एफ एक्स, इसके बाद एन। ओके तो ही तुम लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। तो समेशन एफ एक्स मतलब ये सारा हम लोग को अच्छे से प्लस करना है, और तुम लोग ऐसे सीरियल अच्छे से लिखोगे तो प्लस करने में बहुत ही ईजी होगा, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो 6 प्लस 7, इसके बाद 8 4 3 2, एकदम राइट साइड का पहले कर लोगे जितना होता है वो डालोगे, इसके बाद मिडिल वाला करोगे, इसके बाद एकदम लेफ्ट वाला करोगे, इससे पूरा अच्छे से कर लेना। तो टोटल करने के बाद जितना मिलता है इस टोटल को हम लोग इस एन से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 0 है दोनों में, इसलिए 0 0 कर 5 से 2 2 3 को हम लोग डिवाइड के, यहाँ पे डिविजन कैसे होता है देखो, 2 2 3 डिवाइडेड बाई 5। तो पहले हम लोग ये दो डिजिट देखते हैं, क्योंकि एक को हम लोग नहीं कर सकते, 2 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग 22 पकड़ के उसको डिवाइड किया। तो 22 को हम लोग 5 से करेंगे तो पहले 4 देंगे, 4 देने से 4 5 4 20, तो 22 माइनस 20 कितना होता है 2, और ये 3 बाकी है, ये नीचे हम लोग 3 दिए तो फिर से मिला 23। तो फिर से हम लोग को कितना यहाँ पर देना पड़ेगा 4, तो 5 4 फिर से 20, और यहाँ पे बाकी है 3, तो 3 से हम लोग 3 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे पॉइंट देने से हम लोग यहाँ पे देंगे 0, हो गया 30, तो 5 6 30, तो हम लोगों का ये आ गया आंसर 44.6। ओके कितना इजी है देखो ये कैलकुलेट करना। तो तुम लोगों को अलग एक मैं टेबल दे रही हूँ, उस टेबल से तुम लोग होमवर्क कर लेना, ये टेबल से ये वाला डायरेक्ट मत कर देना, तो होमवर्क मैं नहीं ऐसे होमवर्क मैं नहीं देखूंगी और प्रेजेंट भी नहीं दूंगी। मैं जो टेबल दे रही हूँ तुम लोग वही टेबल यूज करके, ये लॉन्ग मेथड यूज करके क्या करोगे, ये मीन कैलकुलेट करोगे। तो ये है तुम लोगों का होमवर्क का टेबल,
ये टेबल यूज करके तुम लोगों को क्या करना है, पूरा अच्छे से फॉर्मूला लिख के फॉर्मूला में डाल के मीन कैलकुलेट करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग देखेंगे शॉर्ट मेथड से कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं। तो ये होमवर्क अच्छे से करके सबमिट करो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है या करने में प्रॉब्लम मिल रहा है तो तुम लोग बोल सकते हो।